तो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप? आज मैं आपको अवकलन करना तो सिखाऊंगा, लेकिन स्पेशल अवकलन है। देखिए क्या है, द्वितीय अवकलज, जो यहाँ लिखना चाहिए, मैं भूल गया था, ये मेरी गलती है, स्वीकार करता हूँ। द्वितीय अवकलज ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे आ जाए सवाल तो बच्चा सोचेगा, यार क्या करना है। द्वितीय अवकलज, हम तो अवकलन जानते हैं, लेकिन द्वितीय अवकलन, तृतीय अवकलन, चतुर्थ अवकलन, ये सब क्या है? तो आज वो भी क्लियर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि दो फलन के गुणनफल का अवकलन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, चैनल पर जो लोग पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन दबा दें, ताकि ऐसी वीडियो आपके मोबाइल तक आसानी से पहुंचती रहे और आप पढ़ते रहें, एग्जामिनेशन में अच्छे अच्छे नंबर लाते रहें, करियर बनाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हम मानेंगे y के बराबर, मान लिया मैंने। अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, ठीक है? तो ये प्रथम फलन होगा या द्वितीय फलन। अब दो फलन का गुणनफल का अवकलन क्या होता है, मैं डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखूंगा, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। पहला वाला जैसे है वैसे लिख लो, ठीक है? जैसे है वैसे लिख लो। दूसरे वाले का अवकलन कर दो, यानी डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 4x, प्लस चिन्ह लगा के। अब की बार दूसरा वाला जैसे है वैसे लिख लो, और डी डी एक्स लगा के अब की बार पहला फलन लिख दो, एक्स घात 3। क्या हुआ, पहला वाला वैसे लिख दिया डी डी एक्स ऑफ दूसरा वाला, प्लस दूसरा वाला वैसे लिख दिया डी डी एक्स ऑफ पहला वाला लिख दिया मैंने, समझे? एक बार पहला वाले का छोड़ के दूसरे वाले का अवकलन, फिर दूसरे वाले को छोड़ के पहले वाले का अवकलन, ऐसे होता है ये रूल दो फलन के गुणनफल वाले में, समझे? तो देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये डीवाई बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब ई की पावर 4x का अवकलन ई की पावर 4x होगा, लेकिन 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 4x का जब दोबारा करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस ये जैसे है वैसे रहने दो। और एक्स पे घाते 3 का क्या होगा, 3x² क्या होगा, 3 यहाँ लिख दो, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दो, ठीक है? यहाँ तक अभी मैंने क्या किया, प्रथम अवकलन। यहाँ तक मैंने क्या किया, प्रथम अवकलन, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, इसमें इसमें कामन लेंगे कुछ। क्या चीज़ कामन हो सकता है, ई की पावर 4x यहाँ भी है, यहाँ भी है, कामन ले लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर 4x कामन लिया तो बचेगा 4x³ प्लस ई की पावर 4x कामन लिया तो बचेगा 3x², ठीक है? अब क्या होगा, अब फिर से दोनों पक्षों का अवकलन होगा, तो हम क्या करेंगे, द्वितीय फल, द्वितीय अवकलन निकालेंगे। द्वितीय अवकलन का मतलब अभी तक नहीं, अगर जिन लोगों को समझ में आया है उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एक बार अवकलन करने के बाद जब उत्तर आ जाए तो उसका दोबारा अवकलन फिर से कर दो, उसी आंसर का दोबारा अवकलन कर दोगे तो समझ लो जब उसका आंसर आएगा तब वो द्वितीय अवकलन आएगा। नहीं समझे, फिर से समझो, एक बार अवकलन करेंगे आंसर लाएंगे तो एक बार अवकलन कहा जाएगा, फिर उस आए हुए आंसर का दोबारा जब अवकलन करके दूसरा वाला उत्तर लाएंगे फिर से तो वो द्वितीय अवकलन कहा जाएगा। बस यही काम है। तीन अवकलन में क्या होगा, एक बार अवकलन करो आंसर आएगा, फिर एक बार और करो फिर आएगा आंसर, फिर एक बार और करो फिर आएगा आंसर, मतलब जितनी बार अवकलन करोगे उतना अवकलन कहा जाएगा वो, ठीक है? चलिए अब हम दोबारा अवकलन जब करेंगे तो यहाँ पर संकेत क्या होगा, d के ऊपर और x के ऊपर दो दो घात लगा देंगे, पढ़ेंगे इसको डी टू आई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, ठीक है? तो प्रथम फलन जैसे है वैसे लिख देंगे, ठीक है? और द्वितीय का अवकलन, इसका अवकलन कर देंगे डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट अवकलन क्या होगा, 4 × 3 = 12 x² और इसका होगा 3 × 6 x। देखो प्रथम फलन जैसे है वैसे दूसरे वाले का अवकलन हो गया, प्लस अब की बार द्वितीय फलन ऐसे रहेगा, द्वितीय फलन ऐसे रहेगा इंटू प्रथम वाले का अवकलन, इसका अवकलन, तो e की पावर 4x का क्या होता है, अवकलन होता है e की पावर 4x ही होता है, लेकिन 4x का दोबारा करेंगे तो 4 आ जाएगा शुरुआत में। अब इस लाइन को सुंदर सजा के लिख देंगे तो वही हमारा आंसर माना जाएगा। तो चलिए ई की पावर एक्स इधर से कामन लेते हैं, ठीक है?
ई की पावर 4x कॉमन लिया तो 12x² प्लस 6x प्लस यहाँ से 4 का गुणा हो जाएगा अंदर, 4 चौक 16x³ प्लस 4 थी 12x² ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, अब 12x² 24x² प्लस 16x³ 24x² 6x, एक लाइन और कष्ट है। ई की पावर 4x, पहले 3 घात वाला लिखेंगे, 16x पे घात 3, फिर 12x² 12x² 24x² प्लस 6x बाद में लिखेंगे, इसी को हम आंसर मानेंगे और यही हमारा खूबसूरत आंसर है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बड़े आसानी से ले सकते हैं और सुरक्षित कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने सिर्फ एक सवाल बताया, तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ कि दवा ऐसी खाओ जो एक खुराक खाने पर ही असर करे। हम 50 टैबलेट खाए हैं और असर करे वो बहुत देर में, तो उससे क्या फ़ायदा। मैं एक सवाल की वीडियो डालता हूँ तो नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सवाल में जितनी भी संभावनाएँ होती हैं समझाने की, उतनी सारी संभावनाओं के साथ मैं आपको समझाता हूँ। तो नाराज़गी नहीं, एक्सेप्ट कीजिए कि आपको अच्छे से आ गया तो आप बहुत कुछ सीख गए। ठीक है, थैंक यू।